दोस्तों आज हम इसी प्लान को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये प्लान, और ये प्लान दोस्तों आपको पता है वहाँ पर बनाए जाते हैं ऐसे छत के प्लान जहाँ पर लगातार बर्फबारी होती है, लगातार बारिश होती रहती है। तो ये वाली छतों की अगर हम बात करें तो वहीं पर ज़्यादा बनाई जाती हैं। अब अगर हम लोग अपने इधर की बात करें तो फ्लैट छत बनाई जाती है। लेकिन एक हमारे सब्सक्राइबर थे और वो पेड यूज़र थे, उनके कॉन्टेक्ट पे उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया था और उनको ऐसा डिज़ाइन चाहिए था, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस हाउस को मैंने क्रिएट किया। तो काफ़ी खूबसूरत घर यहाँ पर लग रहा होगा, आप लोग सभी लोग देख रहे होंगे। और इसका जो चारों तरफ का एरिया है वो ओपन है, इस वजह मैंने चारों तरफ से विंडो दे रखी है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। तो ये इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं इसका छत का डिज़ाइन जो खफरेल वाला होता है दोस्तों, वो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। फ्रंट इसका ये है, साइड में भी इनका ओपन है, तो इस वजह से साइड में भी मैंने यहाँ पर स्टेयर्स दी हैं। तो इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए लगातार, मैं हूँ पुनीत झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको, मैं जूम करके अगर आपको दिखाना चाहूँ मैक्सिमम जूम करके, तो आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आएगा कि क्या क्या पर बना है। या छत का आप डिज़ाइन देखिएगा, इसकी ग्रिल वगैरह आप ग्रिल ये देख सकते हैं, बॉर्डर वगैरह इसका, और ये पूरा मकान। अब मैं इसे छत को रिमूव करके इसका ग्राउंड फ्लोर दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है। छत को जैसे मैं हटाता हूँ तो आपके सामने ऐसा दिखेगा, ये फ्रंट है। आप जैसे स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे तो ये आपको एक बालकनी टाइप को देखने को मिलती है। ये देखिएगा यहाँ पर डोर है और ये मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे। ये गेस्ट रूम है इसलिए मैंने यहाँ पर डोर दे रखा है और यहाँ पर एक विंडो दे रखी है। जैसे मेन डोर से अंदर जाते हैं तो आपको सबसे पहले डाइनिंग हॉल मिलता है और यहाँ पर एक आपको ओपन किचन मिल जाती है। इधर से आपकी स्टेयर्स हैं, इसे टर्न होकर वापस आएंगे और ये आपका ओपन किचन मैंने डिज़ाइन किया है। किचन के साइड ही मैंने इधर से भी एक दरवाज़ा दिया, अगर आप इधर से एंट्री करना चाहते हैं तो इधर से भी अंदर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये गेस्ट रूम था। इसके बाद अगर हम सबसे पीछे की बात करें तो ये आपको एक और बेडरूम देखने को मिलता है। इस बेडरूम और गेस्ट रूम के बीच में एक लेटेंट बाथ आपको देखने को मिलेगा। उधर आपके इस कॉर्नर पर भी एक बेडरूम है और उसके बीच में भी आपको एक लेटेंट बाथ देखने को मिलेगा। तो घर में दो लेटेंट बाथ हैं, एक ओपन किचन है, तीन बेडरूम है, एक डाइनिंग हॉल है, स्टेयर्स वगैरह आपको देखने को मिलेगी। आगे आपको बारंदे सा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। ये पूरा जो आप रूप जो आगे से बढ़ा था उसको मैंने पिलर पर दे रखा है, आप देख सकते हैं। और इधर की डिज़ाइन की बात करें इधर भी आप देख सकते हैं। विंडो जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है तो मैंने सभी जगह दिया है। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर था, 36x36 में बना है। बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की, मतलब छत लगाने के बाद आपका घर ऐसा फाइनल दिखने वाला होगा जब आपकी छत बन जाएगी। तो इस छत की अगर हम हाइट की बात करें तो ओवरऑल इसकी हाइट 8 फीट है, जो टॉप कॉर्नर है इसका। तो यही पूरा मॉडल आपके सामने मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर है, आपको वहाँ पर कॉल नहीं लगेगा, केवल आप हम मुझे चैट कर सकते हैं व्हाट्सअप पर। अगर आप कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी घर चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। वो हमारी पेड सर्विस है, इसका विशेष ध्यान रखिए। आपको वहाँ पर पे करना होगा, 50% पेमेंट पहले करना होगा, 50% बाद में करना होगा। और ध्यान ये रखना है कि केवल डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर ही कॉन्टैक्ट करें, कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर बिल्कुल कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि आपके साथ कोई और भी फ्रॉड कर सकता है। और पेमेंट करने से पहले आप हमसे एक बार बात जरूर कर लें, अन्य किसी व्यक्ति को पेमेंट आप बिल्कुल ना करें। तो हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।